तो गाइस व्हाट इफ का एपिसोड 6 आ गया, तो आज हम उसे एक्सप्लेन करने वाले। तो एपिसोड का नाम है क्या होता अगर किंग मॉन्गर आयरन मैन को बचा लेता। तो इस एपिसोड का मैं एक्सप्लेन करने वाले, तो हैवी स्पॉइलर की वार्निंग। तो एपिसोड स्टार्ट होता है आयरन मैन से और आयरन मैन के ऊपर हमला हो जाता है अफगानिस्तान से। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखोगे तो आपको पता होगा इसमें क्या हुआ था। और आयरन मैन को किंग मॉन्गर बचा लेता और फिर वॉचर बताता कि आयरन मैन ने दूसरे यूनिवर्स में कैसे हाफ यूनिवर्स को बचाया था। पर इस यूनिवर्स में आयरन मैन और किंग मॉन्गर दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर आयरन मैन किंग मॉन्गर को अपना सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ा ऑफिसर बना देता और जिसने आयरन मैन को मारने की कोशिश की थी उसे एक्सपोज कर देता है। पर अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसमें पेपर पॉट्स को शक हो जाता है किंग मॉन्गर के ऊपर। किंग मॉन्गर को कुछ रिटर्न में चाहिए क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता। और फिर किंग मॉन्गर आयरन मैन को बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए रिटर्न में वॉरशिप बनानी होगी। और फिर वो वॉरशिप बनाने की कोशिश करता है आयरन मैन, पर उसके लिए बहुत बड़ा केमिकल सब्सटेंस चाहिए होता है जो हमें ब्लैक पैंथर की मूवी में देखी होगी तो आपको पता होगा वो वाला कौन सा सब्सटेंस होता है। फिर किंग मॉन्गर वो सब्सटेंस लेने के लिए जाता है। ब्लैक पैंथर वाली मूवी देखी होगी तो आपको वो क्लॉ वाला आदमी पता होगा। तो वो फिर क्लॉ वाले आदमी के पास जाता है और उधर से वाइब्रेनियम चोरी करने की कोशिश करता है और उधर ब्लैक पैंथर आ जाता है पर किंग मॉन्गर ब्लैक पैंथर को मार देता है। और फिर दूसरे साइड वो आयरन मैन के बहुत बड़े ऑफिसर को भी मार देता है। और फिर दोनों पर जाविस को पता लग जाता है कि किंग मॉन्गर ने ब्लैक पैंथर को मारा था आयरन मैन इस। और फिर आयरन मैन किंग मॉन्गर के ऊपर हमला करता है अपनी वॉरशिप से पर किंग मॉन्गर आयरन मैन को भी बचा देता है और इसकी वजह से वकांडा और आयरन मैन के बीच में वॉर चालू हो जाता है। और फिर किंग मॉन्गर बहुत सारे वॉरशिप बना के वकांडा के ऊपर हमला करने वाला होता है और फिर उधर वो क्लो को मार के वकांडा के अंदर चला जाता है ब्लैक पैंथर मूवी के जैसे। और फिर वकांडा वाले सब उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और फिर हमें वॉर दिखाया जाता है वकांडा और आयरन मैन के बीच में और वकांडा जीत जाता है। और फिर किंग मॉन्गर को ब्लैक पैंथर बना देते हैं पर टिचाला की बहन और आयरन मैन की पीटर पॉट्स दोनों साथ हो जाते हैं और किंग मॉन्गर को खत्म करने की कोशिश करते हैं और एपिसोड खत्म। तो इस एपिसोड की बात करो तो ये एपिसोड इतना अच्छा नहीं था। ये एपिसोड बहुत सिंपल था, आधे घंटे के एपिसोड में हमें क्या ही दिखाएंगे। तो ये बहुत सिंपल था। अगर आप किंग मॉन्गर के फैन है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एपिसोड। वैसे तो ये इतना अच्छा एपिसोड नहीं था पर बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था और फाइट सीन भी बहुत अच्छे थे इस एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो टू ऑल। और आप हमारा मेयर ऑफ ईस्ट टाउन का भी रिव्यू देख सकते हैं, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए।